आज की वीडियो दोबारा से वही वीडियो होने वाली है अगर आपने नहीं देखी तो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमोन के बारे में जो कि रियल में बेस्ड हैं, रियल लाइफ में भी हैं और उन्हें ही से एक्सपाय होके पोकेमोन वर्ल्ड में इन पोकेमोन को डाला गया है। ये पार्ट टू है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो चैनल पर डाला हुआ है, जाके अभी के अभी चेकआउट कर लेना, वरना नहीं तो मैं इसकी पार्ट वन की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लो और बगल में जो बेल मतलब घंटा दिख रहा होगा और उसे भी बजा देना। अब फर्स्ट नंबर पर जो पोकेमोन होता है उसका नाम चैटोट है, जो कि येलो कोलाड लव बर्ड से इंस्पायर्ड होकर पोकेमोन वर्ल्ड में डाला गया। इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी ह्यूमन बींग का मतलब किसी भी इंसान का आसानी से मिमिक्री कर सकता है। इस पोकेमोन को भी ज़्यादातर कोई खासियत चीज़ से नहीं बनाया, बस इसमें जैसे कि एक नॉर्मल पैरट होता है या कोई नॉर्मल बर्ड होती है उसी तरह से भी इसे इंस्पायर्ड होके डाला गया है। और जो येलो कोलाड लव बर्ड है इसके अंदर येलो मतलब इसकी जो बीच की निक देख रहे हो वो भी इसी से पड़ी है। अब सेकेंड नंबर पर पोकेमोन की बात करी जाए तो भाई सेकेंड नंबर पर आता है फैनिकन, जो कि आप देख के पता लगा सकते हो कि एक फायर टाइप पोकेमोन है, जो कि आप दूसरे फोटो में देख रहे होगे जो कि एक नॉर्मल फॉक्स जैसी ही है और उस लोमड़ी का नाम भी फैनिकन फॉक्स है, मतलब दोनों के नाम काफ़ी हद तक सिमिलर है। फैनिकन फॉक्स सबसे ज़्यादा सहारा डेजर्ट में ही पाई जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी भी उधरी होती है और जो ये फैनिकन फॉक्स है वो अपने कानों से अपनी गर्मियों को कम करती है। जो थर्ड नंबर पर पोकेमोन है वो बहुत ही ज़्यादा खास है जिसका नाम है आर्टिकूनो, जो कि आप सभी को पता ही होगा ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है, बहुत ही कम पाया जाता है बल्कि पाया कहा जाता है किसी एपिसोड में दिखाया भी नहीं इसे और सिर्फ इसे मूवियों में ही दिखाया गया है। अब इसकी बात करें जो कि एक आर्टिकूनो रियल वर्ल्ड में इसका नाम कुछ एकदम अटपटा सा है, नाम सुनते ही तुम महसूस हो क्या नाम है और उसका आर्टिकूनो नाम सुना जाए इतना प्यारा है। इसका नाम है ब्लैक थॉटेड मैजिक जे, अब इतना अटपटा नाम है अकॉर्डिंग टू आर्टिकूनो। अब जो कि ये नॉर्थ मैक्सिकन में पाया जाता है और इसकी जो टेल है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, जैसे कि आपको बस अभी को पता होगा कि जो आर्टिकूनो है वो एक आइस टाइप पोकेमोन है। अब बारी थी हमारे लास्ट पोकेमोन की जिसका नाम है पिडॉफ, जो कि एक नॉर्मल पिजन से होके इंस्पायर होके रखा गया। अब आपको जाके हैरानी होगी कि इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए सिर्फ पिकाचू ने ही पता लगाया था, बल्कि ऐश तो अपना अलग घूम रहा था बस पिकाचू की पता। एक और खासियत है इस पोकेमोन की, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पोकेमोनों में से माना जाता है। और यही हमारे इस वीडियो का एंड हो जाता है, मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो भाई लोग क्या सोच रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन को काला कर दो। अब मुझे नहीं पता तुम इस पर क्या फेंके मारोगे, मारो जो मर्जी मारो बस इसे काला कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।